रिठाना विधानसभा के रोहड़ी ए वार्ड 24N उत्तरी पश्चिमी जिले की महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता जरियाल ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य जांच शिविर में सभी प्रकार की नियमित जांच के साथ साथ उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय जांच, ECG एवं हड्डियों की जांच भी लोगों की निःशुल्क की गई। आपको बता दें कि इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा लोगों की जांच की गई। उत्तरी पश्चिमी जिले की महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता जरियाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा ही समर्पण के रूप में मनाएंगे। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगा और इस कार्यक्रम को लोगों की सेवा करते हुए मनाना था। अनीता जरियाल ने कहा कि दिल्ली की सभी विधानसभा में इस तरीके के कार्यक्रम और लोगों की सेवा की जा रही है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी उत्तरी पश्चिमी जिले के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी महिला मोर्चा द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के जो 20 पूर्व वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसको सेवा ही समर्पण के रूप में मना रही है। इस कार्यक्रम में सुरेश सच्चर, सह मीडिया प्रभारी जिला उत्तरी पश्चिमी, सूर्य प्रकाश भारद्वाज, मधु दास, सुनीता शुक्ला, रूपाली कसेरा, कुसुम अग्रवाल, शीतल चौधरी, ऋतु बुद्धि राजा, प्रतिभा शर्मा, विमला वत्स, रचना, अर्चना अरुण, पूर्णिमा बंसल, ललिता त्यागी, विनोद महेंद्रू, निगम पार्षद विनय त्यागी, देवेश मित्तल, दिनेश शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मेरा नाम रूपाली कसेरा है। देखिए, अभी सुबह 10 बजे से तो लेकर 100 बंदों की एंट्री हो चुकी है और लोग बड़े जोर शोर से अभी भी बहुत सारे जने लाइन में लगे हुए हैं आने के लिए। मुझे लगता है कि 200-250 से ऊपर ही अधिक संख्या जाएगी 2 बजे तक, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सभी आजकल वैसे भी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, और इस हेल्थ कैंप की विशेष महत्ता यह है कि मोदी जी के सेवा में समर्पण में ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। सभी अलग अलग अपने जगहों से निकल कर आ रहे हैं, सभी पदाधिकारी आ रहे हैं, हमारी अनीता जरियाल जी, मधु जी, इन सब के साथ साथ हमारा भी एक योगदान, छोटा सा योगदान हो जाता है। और ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हम लोगों को उनसे जुड़कर अपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी महसूस होती है। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का जो 17 सितंबर का जन्मदिन था, उसके शुभ अवसर भारतीय जनता पार्टी उनके 20 वर्ष जो सेवा कार्य के होने वाले हैं उनके ऊपर 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण के दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा अनीता जरियाल जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने यहाँ सेक्टर 17 रोहनी के अंदर एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कितने वरिष्ठ कार्यकर्ता, तो लगभग 250 की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार लोगों की सेवा करते हैं। और जो हाँ, नमस्कार, मेरा नाम मधु दास है, मैं जिला महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ। ये कार्यक्रम जो है, हम श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे हमने एक भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी थी, जो सेवा ही समर्पण, उसके अंतर्गत हम समाज के हर वर्ग में कुछ ना कुछ सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। और महिला मोर्चा के माध्यम से हमने बहुत सारे आयोजन किया कार्यक्रम, और उसमें से एक हमारा है हेल्थ कैंप। महिलाएं तो वैसे हर एक के लिए कुछ ना कुछ करती है, योगदान देती है, लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती। तो आज की जो हमारी ये योजना है कि हेल्थ कैंप के माध्यम से हम अपनी महिलाओं का एक फ्री चेकअप भी करवा लें, और समाज में जो लोग सिर्फ हेल्थ डर के कि कहीं पे कुछ ज़्यादा पैसा ना देना पड़े, नहीं कर पाते, तो हम वहाँ उन वर्गों तक भी पहुँचना चाहते हैं कि आके एक बार हेल्थ चेकअप करा लें। और उसमें हमने बहुत अच्छे अपने, क्योंकि आजकल आमतौर पर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा, उसी को नज़रअंदाज मतलब रखते हुए हमने ये कैंप का आयोजन किया है। मैं पूर्णिमा बंसल, आज के कार्यक्रम के बारे में, मैं जिला उत्तरी पश्चिमी की प्रभारी महिला मोर्चा पूर्णिमा बंसल, और आज के हेल्थ चेकअप कैंप में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और ऐसे ही मोदी जी के जन्मदिन पर हर साल हमें उत्साह मिलता रहे कि हम ये प्रोग्राम कर पाएं। आज 21 बार और अगली बार 22 बार। बहुत बहुत शुक्रिया।
अनीता जरियाल। क्या कार्यक्रम है? और हमारे पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि सेवा ही समर्पण के तहत मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य से स्टार्ट है हमारा हेल्थ कैंप लगाना और सेल्फ डिफेंस कैंप लगाने, जो कि हमारा ये सेकंड हेल्थ कैंप है। हर विधानसभा में हम ऐसे ही हेल्थ कैंप लगा रहे हैं जहां की पब्लिक को सेवा दे रहे हैं और फ्री हेल्थ चेकअप है यहां सभी। कितने लोग आए हैं आज हेल्थ कैंप के अलावा? 100 लोग। कम से कम अभी 10 बजे स्टार्ट हुए थे तो 100 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और मुझे लगता है 100 और आ जाएंगे। हमें रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि ऐसे हम लोग सेवा करते रहेंगे, हर पॉकेट में कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और ये सहूलत देने के लिए मोदी जी ने हम लोगों को उत्साह बढ़ाया कि आप लोग ये कार्य करें, सेवा के कार्य करें, और हम उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है और मैं जिले में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हूँ। आज हमारा अनीता जरियाल जी के नेतृत्व में, और जैसा कि आप सभी को पता है, मोदी जी के 17 सितंबर का उनका एक शुभ अवसर आता है हमारे देश के लिए, मोदी जी का जन्मदिन। मोदी जी के जन्मदिन पर इस बार 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक का हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हम सभी बहनों को दायित्व दिया था कि कुछ ना कुछ हम ऐसा जरूरतमंदों के लिए करें जो एक इतिहास बने। उसी के रिगार्डिंग हम अपनी अनीता जरियाल जी के नेतृत्व में और आधे जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी के आदेशानुसार हर वार्ड में 25 के 25 वार्ड में डेली हमारे 2-3 कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम अपने पूरे जोरों शोरों पर लेंगे और महिला मोर्चा कहीं भी पीछे इससे नहीं हटेगा। माता जी जय।